स्किन के थ्रू वो रिमूव कर रहे हैं, स्वेटिंग कर रहे हैं, एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड. बट नॉट ओनली दिस ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, देयर इज थर्ड ऑर्गन विच इज कॉल्ड लीवर. वो डेड ब्लड सेल्स को रिमूव कर रहे हैं, बिलियरी वेन को रिमूव कर रहे हैं, काफी ज्यादा और चीजें हैं जो लीवर जो है वो ब्रेक डाउन करता है और सेंड करता है टुवर्ड्स दी किडनी. मेन रोल किडनी का है. अब जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, तो हम किडनी का यूरिनरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं इन डिटेल. दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सॉरी सिस्टम. दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे वो एक्सक्रीशन करता है. कैसे करता है, कौन कौन से ऑर्गन है, ये आज हम डिस्कस करेंगे जी. मैं आपको नंबर बाय नंबर कहता हूं, पहले इसकी नंबरिंग करते हैं और फिर एक एक कर को डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज किडनी. सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन्स, जिसमें सबसे पहला ऑर्गन किडनी है. ह्यूमन हैज टू किडनीज, यू कैन सी, राइट एंड लेफ्ट. ये हम सबसे पहला ऑर्गन डिस्कस करेंगे वन बाय वन. किडनीज में एक आर्टरी इंटर हो रही है, वो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है किडनी को. उस आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू किडनी. अब क्यों सप्लाई कर रही है, क्या काम है सप्लाई करने का जी? फिल्ट्रेशन के लिए. रीनल मीन्स किडनी. रीनल आर्टरी, दैट आर्टरी विच एंटर्स इनटू द किडनी एंड सप्लाई ब्लड टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन. जब वहां पे ब्लड फिल्टर हो जाएगा, उससे वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल रिमूव कर दिया जाएगा, तो बाकी ब्लड वापस आएगा, वापस बाहर निकलेगा. जिसमें ब्लड वापस आएगा उसको हम रीनल वेन कहते हैं. ये दोबारा रिसीव करता है, इट रिसीव्स फिल्टर्ड ब्लड. जो ब्लड अंदर फिल्टर हो चुका है, यहां पर आप माइंड से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली, वो एक अलग चीज है. उसका काम लंग्स के साथ है, किडनी के साथ उसका काम नहीं है. किडनी के साथ किसका काम है जी? कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर का काम नहीं है, ये लंग्स का काम है. इसका काम और बहुत सारी चीजों के साथ है जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट समझ गए कि जाने वाली आर्टरी तो शायद ऑक्सीजन देने गई है, आने वाली वेन शायद कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहे हैं. नहीं, वो लंग्स का काम है. यहां पे और वेस्ट मटेरियल है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें हैं. अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, टॉक्साइड्स, ये सब कुछ ये किडनी का काम है. कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स का काम है. तो यहां भी आप आर्टरी और वेन में कंफ्यूज ना हो. सप्लाई ब्लड टू किडनी फॉर फिल्ट्रेशन. ये आर्टरी का काम है, ताकि वहां पे इसको फिल्टर किया जाए. वेन वो ब्लड वापस लेती है जो फिल्टर हो गया है. अब फिल्ट्रेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो किडनी के अंदर जमा नहीं हो सकता. ब्लड फिल्टर करने के बाद सारा वेस्ट मटेरियल तो निकाल दिया गया है.
अब वो सारा वेस्ट मटेरियल किडनी के अंदर स्टे नहीं कर सकता, उसके लिए एक अलग पाइपिंग सिस्टम है। इन पाइप्स को हम यूरेटर्स कहते हैं जी, सेकेंड ऑर्गेनिज यूरेटर, फर्स्ट इज किडनी। किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है, ब्लड से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट कर लिया, निकाल दिया। अब वो कहां जाएगा? उसके लिए एक थर्ड पाइप लगा हुआ है जो किडनी से निकला है, नीचे की तरफ आया है। इस पाइप का नाम यूरेटर है। दोनों किडनी से एक एक पाइप निकला है जी। राइट किडनी से राइट यूरेटर, लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर। ये येलो कलर यूरेटर शो कर रहे हैं, ये येलो कलर यूरेटर शो कर रहे हैं। किडनी के अंदर जो वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल फिल्टर हुआ है उससे यूरिन बनाया गया है, इसलिए किडनी के नीचे क्या लिखा है? प्रोड्यूसेस यूरिन। यहां पे यूरिन बनाया गया है तमाम टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल को मिलाकर, एक लिक्विड मिक्सचर बनाया गया है जो कि टॉक्सिक है, जो खतरनाक है, उसको यूरिन कहते हैं। वो यूरिन निकलेगा एक पाइप में, यूरिन की वजह से इस पाइप का नाम यूरेटर है, जो नीचे की तरफ आएगा एक पाउच में। यूरेटर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट यूरिन टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम किडनी। यूरेटर रिसीवर है यूरिन का किडनी, और देने वाला है यूरिन किसको? यूरिनरी ब्लैडर को। ये एक पाउच है, ये पाउच जरूरी है, इस पाउच को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। अगर ये पाउच ना होता तो एक एक ड्रॉप यूरिन नीचे आता, और हमें हर ड्रॉप के लिए अलग अलग वॉशरूम जाना पड़ता। नहीं, हम इतने फारिग नहीं है, और भी काम है जहां में मोहब्बत के सिवा, शायर कहते हैं, तो हमें और भी ढेर सारे काम है। इसलिए अल्लाह पाक ने हमें यूरिनरी ब्लैडर दिया है ताकि थोड़ा थोड़ा करके यूरिन इसमें जमा होता जाए, जमा होता जाए, जमा होता जाए, और जब ये फिल हो जाए तो फिर हम इसको बॉडी से रिमूव करें। अभी थर्ड ऑर्गन का नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा तो इससे कैसे बॉडी से बाहर निकलेगा? तो आखिरी पोर्शन है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज फाउंड इन द सिक्स ऑर्गन ऑफ मैन एंड फीमेल। तो यहां पे क्या होगा जी? यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट्स यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। दिस इज द फोर्थ पोर्शन। ये सब कुछ कैसे होते हैं? एक दो मिनट की एनिमेशन देख लें, फिर आकर एक एक को डिस्कस करते हैं। ये तो आपने स्टैटिक स्ट्रक्चर देख लिया, अभी एक डायनामिक चीज देखते हैं। ये जवेरी आपका पेज है, उसको हम कल करेंगे, टेंशन ना लें, मुझ तक पहुंच गया है, लेकिन ये ना इधर के रहे और ना उधर के रहे हो जाएंगे, तो ये कल डिस्कस करेंगे। ये एनिमेशन देख लेंगे, मैं लाइट ऑफ करता हूं, शायद ये एनिमेशन बहुत तेज है, तो लाइट को मैं ऑफ करके देखता हूं ताकि आपको जरा क्लियर नजर आए। ठीक है जी, रेडियो सारे प्ले कर लू, एक बार देख ली, फिर मैं आपको गाइड कर दू। पहले सिर्फ देख लीजिए, 1 2 3।
चलिए जी, आपने एनिमेशन देख लिया, मैं आपको दोबारा प्ले करके इसको साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता हूं। आपने देख लिया कि कैसे ब्लड आ रहे हैं और कैसे ब्लड जा रहे हैं और कैसे यूरिन निकल रहे हैं। कुछ टॉपिक्स के अंदर आपने नहीं पढ़े, वो बाद में पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें। मैं आपको दोबारा प्ले करके देता हूं जी। दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपको किडनी दिखाई गई है जी, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, किडनी और किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, किडनी एड्रीनल ग्लैंड, दीज आर द टू किडनीज, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। आर्टरी में ब्लड अंदर जा रहे हैं जी, वेन में वापस निकल रहे हैं जी। ये यूरेटर है जिसमें यूरिन आ रहा है नीचे। मैं दोबारा प्ले करता हूं शुरू से। दिस इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये किडनी है, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी एड्रीनल ग्लैंड, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर। अभी ब्लड आएगा, ब्लड वापस जाएगा, वेस्ट मटेरियल जो फिल्टर हुआ है वो यहां से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये ब्लड आ रहा है, ये जा रहा है, और ये फिल्ट्रेशन हो रही है यूरिन। येलो कलर में आपको दिखाया गया है, यूरिन नीचे बह रहा है। हाँ, वही वापस जाता है ना, तो क्यों, किसी और जगह से ब्लड आ गया। ये आपको किडनी दिखाई गई है, आपने पढ़ा है कॉर्टेक्स मेडुला, ये हम पढ़ेंगे। ये एक पिरामिड को ओपन करके आपको नेफ्रॉन दिखाया गया। फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है जी? फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन है। ये हमारा बात का टॉपिक है, आज का नहीं है, लेकिन आपको पता हो कि यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन है जी, ये नेफ्रॉन का वुमेन्स कैप्सूल है। ये फिल्ट्रेशन पॉइंट है, यहां पे ब्लड फिल्टर होता है। आपको दिखाएगा अभी दोबारा, ब्लड आएगा और ब्लड जाएगा, वेस्ट मटेरियल इस तरफ जाएगा। ये देखिए जी, ब्लड आ रहे, फिल्टर हो रहे, जा रहे, वेस्ट मटेरियल इस तरफ जा रहे, ब्लड आ रहे, ब्लड जा रहे, वेस्ट मटेरियल इस तरफ जा रहे, फिल्टर होके। अब ये चीज फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और एक एक करके इन ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम किडनी की बात करते हैं, फिर हम यूरेटर की बात करते हैं, और फिर हम बात करते हैं जी यूरिनरी ब्लैडर की। कुछ कुछ बातें आपको पता भी है, कुछ कुछ बातें आपने वीडियो में भी देख लिए, कुछ हम अभी देख लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनीज की। तो किडनी में हम कहते हैं, किडनी में तीन चार बातें याद रखी। पॉइंट नंबर वन, इसकी लेंथ याद रखी, इसकी विड्थ याद रखें, इसकी हाइट याद रखें। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, विड्थ इज 6, हाइट इज 4। अब आप कहिए कि इसका हाइट का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। फर्ज करें ये किडनी है, ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। फॉर एग्जाम्पल, ये किडनी है, ये लेंथ है, ये हम हैं और ये हमारी क्लास हो रही है, सॉरी, ये लेंथ है, ये विड्थ है, 12, 6, 4। अभी इसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन।
color is reddish brown. चलिए जी, इसका वेट क्या है? ये आपकी बुक में ये सारे वैल्यूज है, लेकिन सिर्फ यहां पढ़ने से आपको याद हो जाएंगे. वेट इज 150 ग्राम एक किडनी का. ये भी याद रखिए कि किडनी किडनी तो दो है, लेंथ वेट तो हमने देख ली. वेंट्रल लोकेशन, अगर आप वेंट्रल साइड से किसी को देख रहे हैं तो किडनी आपको कहां नजर आएगी? किडनी आपको 11th और 12th रिब्स में नजर आएगी. 11th एंड 12th रिब्स में नजर आएगी, जिनको हमने हैंगिंग रिब्स कहा था. अगर आप डार्सल साइड से देखेंगे, डार्सल साइड बैक साइड से, तो आपको किडनी कहां नजर आएगी? लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री T12. एंड थर्ड लंबर जिसको हम L3 कहते हैं. अगर आप वर्टिब्रल कॉलम की तरफ से देखते हैं, अगर आप वर्टिब्रल कॉलम की तरफ से देखते हैं तो आपको थोरेसिक, हमने पढ़ा था कि थोरेसिक 12 है, सर्विकल 7 थी, थोरेसिक 12 थी, तो आखिरी थोरेसिक से किडनी शुरू होती है और खत्म होती है थर्ड लंबर पे. लंबर 1, 2, 3 थर्ड पे खत्म होती है. लंबर 5 है, सेक्रल 5 है, ऑक्सीजन 4 है, वर्टिब्रीज. तो बैक साइड से डार्सल साइड से आपको यहां नजर आएंगी, वेंट्रल साइड से आपको यहां नजर आएंगी. किडनीज का काम क्या है? कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, आपकी कोर्स भी नहीं है. किडनी कैन फिल्टर ऑल द बॉडी ब्लड इन 45 मिनट्स. किडनी कैन फिल्टर ऑल द बॉडी ब्लड इन 45 मिनट्स. जस्ट 45 मिनट में ही आपकी पूरी बॉडी के ब्लड को साफ करती है, फिर भी ये 24 आवर लगी रहती है. एमसीक्यूज का याद रखें, ब्लड एक दिन में 30 टाइम्स फिल्टर होता है. ब्लड की फिल्ट्रेशन कितने टाइम होती है? 30 टाइम्स पर डे. ये नहीं कहते कि बस इन्होंने एक मरतबा कर लिया, नो, बार बार फिल्टर करती है, बार बार फिल्टर करती है, बार बार फिल्टर करती है, ताकि आपका ब्लड साफ हो, ताकि आपके ब्लड में कोई इशू ना हो, ताकि कोई टॉक्सिक मटेरियल आपके ब्लड में ना आए, ना कोई आए ना कोई जाए. दिस इज अबाउट किडनी. किडनीज आर प्रोटेक्टेड इन पेरिटोनियल कैविटी. पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. जिस तरह लंग्स के ऊपर प्लूरा था, जिस तरह हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम है, इसी तरह किडनीज के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन, सॉरी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है जी. और जिस कैविटी में ये पड़ी है उनको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं. पेरिटोनियल कैविटी, द कैविटी वेयर किडनीज आर लोकेटेड. पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी. इसमें कोई इश्यू है किसी को? नहीं. आई थिंक क्लियर है. ये हमने सिर्फ किडनी को डिस्कस कर लिया जी. जी
जी बेटा, अच्छा यूरेटर जो है इसमें चीज क्यों याद रखें, लीस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन है यहां पर। लीस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि यहां यूरिन रुकते ही नहीं है, ये तो सिर्फ रास्ता है। यूरिन बनता किडनी में, स्टोर होता है यूरिनरी ब्लड में, ये तो सिर्फ रास्ता है, तो यहां पे इन्फेक्शन का चांस बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम चांस है जी, बहुत मिनिमम चांस होता है। और यूरेटर जस्ट कैरियर है, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता, यूरिन बनता यहां है, जो बड़े लेंथी मैकेनिज्म है, जो हमारे इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, लिखे हुए भी है, टेम्पररी स्टोर यूरिन। कितना यूरिन स्टोर करता है जी, कितना यूरिन स्टोर करता है जी, 500 ml टू 1000 ml। आप कह सकते हैं हाफ लीटर टू फुल 1 लीटर, आप लिख सकते हैं 0.5 लीटर। पॉइंट फाइव लीटर टू 1 लीटर, 1 लीटर बहुत सुना है, लेकिन बुक फॉलो करना मजबूरी है। 1 लीटर कैसे आ सकता है यूरिनरी ब्लैडर में, ये कोई मजाक है? 1 लीटर बोतल तो हम हाथ में नहीं उठा सकते, ले जा नहीं सकते, 1 लीटर यूरिन कोई मजाक है? लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि यहां पे लिखा हुआ है आपकी बुक में कि यूरिनरी ब्लैडर 500 ml टू 1000 ml यूरिन क्या करता है, स्टोर कर सकता है, जो कि वैल्यू बहुत बड़ी है, रियलिटी इस तरह नहीं है, लेकिन बुक फॉलो करना जरूरी है। हालांकि 1 लीटर तो इतना बड़ा बोतल होता है, इतना यूरिन कैसे आ सकता है हमारी यूरिनरी ब्लैडर में, लेकिन नहीं आ फॉलो करना जरूरी है। तो वैल्यू याद रखें, 500 टू 1000 ml इज द कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जब हम यूरेथ्रा की बात करते हैं तो यूरेथ्रा में हम कुछ डिस्कशंस करते हैं, यहां पे याद रखिए, हियर आर टू स्फिंक्टर्स, यहां पे स्मूथ मसल्स के बने हुए स्फिंक्टर्स हैं। हाँ ये 0.5 है जी, ये पॉइंट मैं जरा बड़ा बना लेता हूं, 0.5 लीटर टू 1 लीटर, आप इस तरह भी लिख सकते हैं ml में, और हाफ लीटर भी लिख सकते हैं, 1.2 लीटर लिख लें, फिर कंफ्यूज नहीं होगी। स्मूथ मसल्स के बने हुए स्फिंक्टर्स हैं, ये स्फिंक्टर्स बचपन में इनवॉलेंट्री होते हैं, जितनी एज बढ़ती जाती है तो ये हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर जब हम चाहें तो यूरिनेशन कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, दे आर इनवॉलेंट्री इन चाइल्डहुड, इनवॉलेंट्री इन चाइल्डहुड। बाद में क्या हो जाती है, वॉलेंट्री लेटर ऑन। ये कब हमने एम्प्टी करना है, किसको, यूरिनरी ब्लैडर को, कब हमने यूरिन देना है यूरिथ्रा को, ये डिपेंड करता है स्मूथ मसल्स के बने हुए स्फिंक्टर्स पे। और स्फिंक्टर्स 2 साल तक या 2.5 साल तक क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री, फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं।
फिर ये वॉलेंट्री बन जाते हैं। सिर्फ यूरेथ्रा रह गया, यूरेथ्रा में दो इंसिक्यूज है वो भी करते हैं। यहां भी यूरेथ्रा को डिस्कस करते हैं, तब तक आप लोग वो पॉइंट नोट कर लें। हियर यूरेथ्रा, तो ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम यूरेथ्रा बी कहते हैं और इसको हम यूरिनो जेनिटल डक्ट भी कहते हैं। क्यों इसको दूसरा नाम देते हैं, इसके पीछे रीजन है। यूरेथ्रा का लफ्ज हम यूज करते हैं इन फीमेल, फीमेल में इस लास्ट ट्यूब को हम यूरेथ्रा कहते हैं, मेल में इस लास्ट ट्यूब को यूरेथ्रा नहीं कहते जी, यूरिनो जेनिटल डक्ट कहते हैं। रीजन ये है कि फीमेल में ये क्या करती है, इट एक्सपेल्स ओनली यूरिन, इट एक्सपेल्स ओनली यूरिन। लेकिन जब हम मेल की बात करते हैं तो ये वाइड ट्यूब है जो दोनों काम करती है, ये एक्सपेल करती है यूरिन भी बॉडी से, इट एक्सपेल्स यूरिन प्लस स्पर्म्स या सीमन। स्पर्म तो नहीं होता अकेला, पूरा एक मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर को हम सीमन कहते हैं। इसके बाद हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी ये बात करेंगे क्योंकि हम रिप्रोडक्शन तक पहुंच चुके हैं। इट एक्सपेल्स यूरिन एंड स्पर्म, मतलब सीमन फ्रॉम द बॉडी। तो चूंकि वहां पे इस ट्यूब के जरिए यहां पे एक और ट्यूब अटैच होती है और यहां से स्पर्म आते हैं और दोनों एक साथ रिमूव करती है, मतलब जब जरूरत होती है यूरिन, जब जरूरत होती है स्पर्म, तो हम इन केस ऑफ मेल इसको यूरेथ्रा नहीं कहते, यूरिनो जेनिटल डक्ट कहते हैं। दोनों के लेंथ में भी फर्क है, फीमेल में 3 to 5 सेंटीमीटर पॉसिबल है, मेल में 18 to 20 सेंटीमीटर पॉसिबल है। तो ये लास्ट पोर्शन है किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। दीज आर दी मेन 4 पार्ट्स ऑफ दी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी किडनी। अब किडनी चूंकि मेन ऑर्गन है, मेन ऑर्गन ऑफ फिल्ट्रेशन है, सारा कुछ यहां पे होता है, तो हम इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर देखेंगे कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं जी, ये क्या करता है जी, क्यों करता है। चलिए जी, तो हम एक किडनी की तरफ जाते हैं। ये किडनी का इंटरनल एनाटॉमी आपको दिखाई गई, ये इसका क्रॉस सेक्शन है जी, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ किडनी। किडनी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन चले शुक्र है कि इतनी बड़ी नहीं है। बहरहाल दिस इज किडनी, ये रीनल आर्टरी है जिसके थ्रू ब्लड इसको दिया जा रहा है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहां इसके ऊपर फर्दर लिखाई नहीं करते। रीनल वेन जो ब्लड अंदर गया है, फिल्टर हो गए, साफ हो गए, वापस इस रास्ते से निकला है, यहां ब्लड ऐसे जा रहे हैं, यहां ब्लड ऐसे जा रहे हैं, जो कुछ फिल्टर हो गए हैं वो यूरिन के फॉर्म में निकल रहा है, यूरेटर। अभी आपने एक नया लफ्ज देख लिया जो अभी तक नहीं देखा था, पेल्विस, द बेस ऑफ यूरेटर इनसाइड द किडनी इज कॉल्ड पेल्विस।
जहां से यूरेटर अराइज होता है, बेस ऑफ यूरेटर। यूरेटर का जो ऑरिजिन है, यूरेटर का जो बेस है, इसको हम पेल्विस कहते हैं। वहां पे नजर नहीं आती, दोबारा लिखता हूं, बेस ऑफ यूरेटर। बेस ऑफ यूरेटर शुरू में पेल्विस होता है, फिर आगे जाके यूरेटर बन जाता है। तो ये जो उसका बेस है ये पेल्विस है, और ये जो बाहर निकल गए थे यूरेटर। किडनी को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, द आउटर रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला जिसके अंदर सब डिविजन नहीं है, बाहर वाला, उसके अंदर कोई सब डिविजन नहीं है, आपको कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आते, कोई ट्राइगोनियल स्ट्रक्चर नजर नहीं आते। दिस वन, इस पोर्शन को हम कार्टेक्स कहते हैं। दिस रीजन इज कार्टेक्स। कार्टेक्स इज आउटर रीजन, दिस इज आउटर रीजन, जिसके अंदर कोई डिवीजन नहीं है, नो सब डिविजन। लेकिन जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें ट्राइगोनल ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ये वाले। तो इस पूरे रीजन को, इनर रीजन को हम मेडुला कहते हैं। मेडुला इज इनर रीजन। अब इनर रीजन के अंदर सब डिविजन है जी, एक एक सब डिविजन को एक एक पायरामिड कहते हैं, एक एक सब डिविजन को हम एक एक पायरामिड कहते हैं। ये हमारे पास पायरामिड है, दिस वन। ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पायरामिड्स। ये चीजें आप लोग फिलहाल भूल जाएं, ये चीजें रिलेटेड हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि इसका यूनिट नेफ्रॉन है, इसका यूनिट नेफ्रॉन है। तो ये नेफ्रॉन के पार्ट्स आपको दिखाए गए, जो हम नेफ्रॉन में डिस्कस करेंगे। किडनी हैज टू डिस्टिंक्ट रीजन, द आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, द इनर रीजन इज मेडुला। कॉर्टेक्स हैज नो सब डिविजन्स, मेडुला हैज ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स, ईच ट्राइगोनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पायरामिड, एंड द होल रीजन इज कॉल्ड मेडुला। नाउ वेयर इज नेफ्रॉन लोकेटेड? नेफ्रॉन हर जगह पे हो सकती है, कॉर्टेक्स में भी हो सकती है, मेडुला में भी हो सकती है। अगर नेफ्रॉन कार्टेक्स रीजन में हो तो उनको कार्टिकल ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये हम नेफ्रॉन में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए कि नेफ्रॉन किसी भी रीजन में हो सकता है, सिर्फ बीच में नहीं होता। ये ट्यूब है जहां पे सारा वेस्ट मटेरियल आएगा और यहां से निकलेगा, बाकी इस सारे रीजन में नेफ्रॉन्स होते हैं। और आपने याद रखना है कि वन किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन। वन किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। कोई क्वेश्चन है किसी का जी, कोई इशू है? बेटा पाकिस्तानी कौन जाग रही है ना? आई आई
समझ आई, चले शुक्र है, ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि पीटी आई। जी इज नॉट द पार्ट ऑफ, तो कार्टेक्स का पार्ट नहीं है ना, मेडुला का पार्ट है। हिलस इस जगह का नाम है जहां से एंट्रीज और एग्जिट्स हो रहे हैं, दिस रीजन। इसका पार्ट है ना, ये आपको बाद में समझ आ जाएगा। देखिए ये सारे ट्यूब्स हिलस में से निकलते हैं। हिलस इज द पार्ट ऑफ ट्यूबुलर सिस्टम, कॉर्टेक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्यूबुलर सिस्टम। एमसीक्यू किस तरह है पूरा? प्रेजेंट है तो प्रेजेंट मेडुला में है ना। आपने तो पहले कहा कि कौन से पार्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट नहीं है, मेडुला में प्रेजेंट है। एमसीक्यू साहब ने कहा कि पायरामिड इज नॉट द पार्ट ऑफ डैश पार्ट। अच्छा तो कॉर्टेक्स का पार्ट नहीं है, मेडुला का भी पार्ट है और हिलस का भी है। इस ओपनिंग का नाम हिलस है, हिलस इज फ्रॉम हिलम, हिलम मीन ओपनिंग पोर। ये जगह हिलस है जी, दिस इज हिलस, जिसको स्टूडेंट्स हाइलस कहते हैं। ये हाइलस नहीं, ये हिलस है, ये नेफ्रॉन है जी। ये हमारा मेन टॉपिक है नेफ्रॉन। आप लोग ये बताएं कि नेफ्रॉन से रिलेटेड आपको कितनी बातें याद है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये तो आपको याद है ना, बेसिक फिल्ट्रेशन इसमें होती है। आज हम इसके पार्ट्स पढ़ते हैं, जस्ट फंक्शन कल कर लेंगे, लेकिन आपको इतना बताऊं कि इसमें क्या क्या होता है। देखें ये एक ब्लड वेसल है जी, वो आती है, डिवाइड होती है, छोटी छोटी होती जाती है, आखिर में ये ब्लड वेसल एक छोटी सी नेटवर्क बनाती है। ब्लड यहां से आ रहा है फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है, जिसमें ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है उसको एफेरेंट वेसल कहते हैं। एफेरेंट ए के साथ है, आपने याद रखना है एफेरेंट। ये रीनल आर्टरी का हिस्सा है, ये रीनल आर्टरी का हिस्सा है, मतलब ये रीनल आर्टरी जो अंतर गई है, डिवाइड हो रही है, रीडिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, रीडिवाइड हो रही है, आखिर में इतनी छोटी हो जाती है कि एक नेफ्रॉन के पास पहुंचती है, तो उसको हम एफेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, क्योंकि आर्टरी के बाद आर्टेरियोल होता है। अंदर जाके वो एक नेटवर्क बनाती है, इस नेटवर्क को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस नेटवर्क को हम, आपको भी याद आ जाएगा, इस नेटवर्क को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कोई और चीज नहीं है, ये जो ब्लड वेसल आए हैं, डिवाइड रीडिवाइड डिवाइड रीडिवाइड और एक नेटवर्क बनाए हैं, इसको डिटेल में कल करेंगे, दैट इज ग्लोमेरुलस। ये फिल्टर लगा है जो फिल्ट्रेशन कर रहा है, जो ब्लड वेसल वापस ब्लड लेके जा रही है उसको हम एफेरेंट वेसल कहते हैं। ये मैं नाम लिख लेता हूं, वो ई के साथ है, एफेरेंट, एफेरेंट एग्जिट, शाबाश, ई फॉर एग्जिट, ठीक है ना। तो ये यहां से एग्जिट हो रही है ग्लोमेरुलस से, यहां पे फिल्ट्रेशन होती है। कैसे होती है ये आज हमारा हेडेक नहीं है। इस फिल्टर का नाम जो उसको फिल्टर कर रहे हैं,
ये कब से फिल्टर, इसका नाम किसको याद है जी? एनीवन? शाबाश, वो में साइंटिस्ट था बदबख्त, उसने अपना नाम रखा है बोमेन कैप्सूल। ये मेन फिल्टर है जी। इसके बाद एक ट्यूब है जो बड़ी कन्वोल्यूटेड है, बड़ी कन्वोल्यूटेड है। क्यों कन्वोल्यूटेड है ये भी हमारा हेडेक नहीं है, ये हम पढ़ेंगे। सिर्फ पार्ट्स के नाम याद रखिए। इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक यू तक, फिर ये यू जो है ऐसे नीचे आए और ऐसे ऊपर गया। इस यू को हम लूप्स ऑफ हिनले कहते हैं, लूप्स ऑफ हिनले। हियर इज लूप्स ऑफ हिनले। फिर ऊपर जाके फिर कन्वोल्यूशन है, इसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाके एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होती। यहां भी नेफ्रॉन अटैच है, यहां भी नेफ्रॉन अटैच है, यहां भी नेफ्रॉन अटैच है। बहुत सारे नेफ्रॉन का मटेरियल इस ट्यूब में आ रहा है। ये ट्यूब आगे जाके बड़े ट्यूब बनाती है, वो ट्यूब आगे जाके बड़ी ट्यूब बनाती है, वो बड़ी ट्यूब आगे जाके पेल्विस बनाती है और बाहर यूरेटर की शक्ल में निकल जाती है। ट्यूब्यूल्स के ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, इनको हम पेरिट्यूब्यूलर के पेलरी नेटवर्क कहते हैं। पेरिट्यूब्यूलर के पेलरी नेटवर्क जो नेफ्रॉन को हर तरफ से जकड़े हुए हैं। आज आप सिर्फ नाम याद रखें, एक लफ्ज हमने इसमें नहीं पढ़ा, रीनल कैप्सूल। ये कहां होता है नेफ्रॉन में? वेयर इज रीनल कैप्सूल अगर आपसे पूछ लें तो ये कलेक्टिव नाम है किसका? ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल इस पार्ट को, इसको हम रीनल कार्पसल या रीनल कैप्सूल कहते हैं। ये जो ट्यूब्स हैं यहां से लेकर यहां तक, इनको हम रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं टोटल मिला के। रीनल ट्यूब्यूल्स में कौन कौन आते हैं जी? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्लस लूप ऑफ हिनले प्लस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग डक्ट को हम किसी सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं कह सकते। कलेक्टिंग डक्ट आपके घर के सामने की गली है, जो आपके घर के सामने भी है, दूसरे घर के सामने का रीजन भी है। ये हर घर का हिस्सा है, हर घर के लोग इसमें से आते हैं, इसमें से निकलकर बड़े रोड पे जाते हैं, फिर उससे बड़े रोड पे आखिर में रोड पे चले जाते हैं और फिर केपीके से निकल जाते हैं। जब लोग केपीके से निकल जाते हैं तो वर्दा आ जाती है जी। जी नहीं नहीं नहीं, दोनों एक ही नाम है। वो एक शख्स दूसरे से कह रहा था कि ये इंडिया लड़ाई तो पाकिस्तान और भारत की है, ये इंडिया क्यों बीच में बोल रहे हैं? ठीक है ना, तो जब भारत की लड़ाई होगी इंडिया बोलेगा और जब इंडिया की लड़ाई होगी तो भारत बोलेगा, क्योंकि भारत महात्मा इंडिया है। ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई इशू है? आज सिर्फ नाम सीख लें, कल हम इस जगह को डिस्कस करेंगे, प्रेशर फिल्ट्रेशन। फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे, फिर यहां आएंगे। जब यहां पहुंचेंगे तो यूरिन बन चुका होगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में आज बेल नहीं बज रहा कि नहीं,
बिल वाले चले गए ऑलरेडी। चलिए जय शाबाश जी बेटा, ये भी कल करेंगे ना, आने वाले को एफरेंट, जाने वाले को एफरेंट। कल हम जी 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 नहीं ना, वो वोल्टेज मैं बार बार भूल जाता हूँ, शुक्र है आपने याद कराया। लिख ले अपने साथ, कहाँ लिखूं, इस तरह करते हैं कि यहां लिख लेता हूं, ये आप यूज में कभी पूछे तो मैं भूल गया था। वोल्टेज रेगुलेटर कौन सा होता है? वोल्टेज रेगुलेटर ये ओपन होता है, ओपन्स ड्यूरिंग एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो चैनल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के वक्त खुल जाए उसको वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। और नॉन वोल्टेज कौन सा होता है? नॉन वोल्टेज ये वो होता है जो नॉन वोल्टेज होता है। कितना आसान है, वेरी गुड, नहीं इतना आसान नहीं है जी। नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड कौन सा होता है? जो ओपन होता है एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अब आप लोग मुझे आंसर करें कि पोटेशियम गेट कौन सा है, वोल्टेज है या नॉन वोल्टेज है? पोटेशियम गेट जल्दी बताएं। पोटेशियम गेट कब खुला था? अब आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्टर में वो चैप्टर फ्लैश कर दें। पोटेशियम गेट रेस्टिंग में ओपन था और सोडियम जब ओपन हुआ था तो एक्शन में मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हुआ था। सोडियम चैनल को आप वोल्टेज रेगुलेटेड गेट कहते हैं, पोटेशियम को नॉन वोल्टेज। ठीक है जी।